नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं देश की राजनीति से जुड़े कुछ खास पहलू। दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति और नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आने की पृष्ठभूमि के बीच कांग्रेस राष्ट्रीय राजधानी की 7 में से 6 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर इसकी लिस्ट पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भेज दी है। इस लिस्ट की विशेषता यह है कि इसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है। खबरों की माने तो कांग्रेस शनिवार रात या रविवार को अपने उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है और मतदान की तारीख 12 मई है। कांग्रेस ने अपने जिन 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं वो इस प्रकार है। अजय माकन नई दिल्ली सीट से, शीला दीक्षित चांदनी चौक से, सुशील कुमार पश्चिम दिल्ली से, रमेश कुमार दक्षिण दिल्ली से, जेपी अग्रवाल उत्तर पूर्व दिल्ली से, राजकुमार चौहान उत्तर पश्चिम दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आपके बीच सीटों के तालमेल पर गतिरोध बना हुआ है। सिसोदिया ने कहा कि आपने गठबंधन की पहल सिर्फ इससे पहले गठबंधन नहीं होने पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह गठबंधन को लेकर संजीदा नहीं है। दिल्ली शीला दीक्षित और मनोज तिवारी हो गए आमने सामने। कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले बीते दिन भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली की 7 में से 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार पार्टी ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो उत्तर पूर्व दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के सामने चुनौती पेश करेगी। चांदनी चौक से पार्टी ने कपिल सिब्बल की बजाय इस बार दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल को उतारा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन उत्तर पूर्व दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, मनोज तिवारी पश्चिम दिल्ली वेस्ट दिल्ली से, प्रवेश वर्मा दक्षिण दिल्ली साउथ दिल्ली से, रमेश भिदुड़ी को टिकट दिया है। वही आम आदमी पार्टी ने मार्च में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने नई दिल्ली से ब्रजेश गोयल, पूर्व दिल्ली से अतिशी, उत्तर पूर्व दिल्ली से दिलीप कुमार पांडे, दक्षिण दिल्ली से राघव चड्डा, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता, उत्तर पूर्व से गगन सिंह, पश्चिमी दिल्ली से बलबीर सिंह जाखड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।